नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से बीपीएससी पी सड़सठवीं जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कर रहे हैं जिसमें हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे 102 क्वेश्चंस आज से रसायन विज्ञान शुरू करना है इसके जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से बायोलॉजी शुरू हो जाएगा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रहता है मिनिमम साइंस का जो मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाते हैं तीस से पैंतीस नंबर का रहता है जो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं इसीलिए अगर आप इसको करके जाएंगे तो साइंस के नाइन्टी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर ओके शुरू करते हैं आज का लेक्चर इसके साथ ही चैनल पर मेंस के लिए भी चल रहा है कि मेंस के आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और के बी सी और दृष्टि आई से बिहार समग्र भी कंप्लीट हो चुका है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा गैस जो है वो तत्व नहीं है आवर्त सारणी में धातु अधातु और उपधातु जो होते हैं इन्हीं में एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया गया है इसका आंसर सी हो जाएगा दूसरा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेबोजियर तीसरा स्टेट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तो इलेक्ट्रॉन की तरीके तो इसी संख्या के बराबर होती है नंबर ऑफ़ प्रोटोन की संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन तो और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा अठारह और बीस को ऐड कर देंगे तो सी आंसर हो जाएगा अड़तीस देखो क्या लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोन के बराबर होती है तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन के ऐड कर दोगे तो अड़तीस आ जाएगा एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या अभी तो पूछा अभी तो बताया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं प्लूटोनियम न्यूक्लोटाइड दिया हुआ है और इसका ये 242 क्या है ये द्रव्यमान है और 94 क्या है एटॉमिक नंबर है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तो 242 में से 94 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो एक सौ अड़तालीस हो जाएगा इसका आंसर पाँचवा क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक सौ अड़तालीस यहाँ पर देखो एक सौ अड़तालीस दिया हुआ है छठा क्वेश्चन है एक तत्व तो के समस्थानिक अलग अलग होते हैं समस्थानिक क्या होता है जिसमें एटॉमिक नंबर तो एक ही जैसा होता है एटॉमिक वेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं इसका क्या आंसर हो, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है इनका ओके और एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या होते हैं वो एक ही होते हैं आइसोबारिक कहलाता है जब परमाणु संख्या अलग हो जाता है तो छठा का बी आंसर हो जाएगा सेवन नंबर पर चलते हैं फेराडे स्थिरांक किसके लिए उपयोग होता है यहाँ पर इसको मैं पढ़ दूँ ऊपर वाले को पहले कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व तो समस्थानी कहलाते हैं अर्थात जिस तत्व तो के परमाणु संख्या समान हो प्रोटोन की संख्या समान होती हैं परंतु तो दर्माण संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है वे समस्थानी कहलाते हैं तथा तो तो समान परमाणु वाले तत्व तो संभारी कहलाते हैं जिसमें भार समान होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर उनका इलेक्ट्रॉन प्रो अलग अलग हो जाता है एटॉमिक नंबर इससे क्या कहलाते हैं वो संभारिक कहलाते हैं फेराडे स्थिरांक क्या है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है विलायक के आयतन पर निर्भर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है और सार्वभौमिक स्थिरांक है तो फेराडे स्थिरांक क्या है फेराडो स्थिरांक को सार्वभौमिक स्थिरांक भी बोलते हैं ओके फेराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है यह नाइन सिक्स फोर एट फाइव जूल मोल होता है मोल नंबर जो आपने पढ़ा हाँ होगा निम्न से किसका पीएच मान सात होता है तो देखो सात जो होता है वो उदासीन होता है हमेशा ओके okay, सात से कम में एसिड हो जाता है सात से ज़्यादा में बेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर ई हो जाता है है ना पढ़ देता हूँ मैं उदासीन विलियन का पीएच मान सात होता है शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है अतः तो तो इसका पीएच मान भी सात होगा वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है सात से अधिक पी का मान विलियन छाड़ीय और सात से कम विलियन अम्लीय होता है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर शुद्ध पानी और उदासीन दोनों ही होगा इसलिए इसका आंसर ई करेक्ट होगा निम्नलिखित में से किस विलियन के पीएच का मान सात से अधिक होता है तो सात से अधिक को छाड़िए कहते हैं अभी बताया है हमने और सात से कम को एसिडिक कहा जाता है पानी का पीएच मान क्या होता है तो बिल्कुल सात होता है उदासीन होता है पानी ना तो अम्लीय होता है ना तो छाड़िए होता है एट नंबर ग्यारह नंबर पर चलते हैं कि एक घोल का पीएच मान तीन से छः बदलता है एच प्लस आयन पी एच का मतलब ही होता है कि एच प्लस आयन की संख्या उसमें क्या है एच प्लस आयन सांद्रता तीन गुना बढ़ जाएगी तीन गुना कम हो जाएगी दस गुना बढ़ जाएगी एक हज़ार गुना कम हो जाएगी तो ग्यारह का क्या आंसर हो जाएगा ग्यारह का हो जाएगा एक हज़ार गुना कम हो जाएगी तीन से छः पर जा रहा है यानी कि एसिडिक नेचर उसका कम हो रहा है समझ रहो ना जो तीन होगा वो सबसे खतरनाक एसिड में से होगा छः जो होगा वो उदासीन के करीब करीब में होगा तो पी एच में परिवर्तन ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर और H प्लस आयन की सांद्रता एक हज़ार गुना कम हो जाती है समझ रहो ना ब्रोमीन होती है ब्रोमीन क्या होती है रंगहीन गैस भूरी ठोस अत्यंत ज्वलनगी ज्वलनशील गैस और लाल द्रव तो ब्रोमीन क्या होती है तो ब्रोमीन का आंसर हो जाएगा लाल द्रव होती है वो ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वास्पसीव द्रव है ब्रोमीन बी का परमाणु क्रमांक 35 होता है यह कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है यह अज्वलनशील जल में अल्प विलय है ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसको हेलोजन है वर्ग का नाम भी से भी जाना था हेलोजन समूह के जो होते हैं उसी का समूह है वेल्डिंग में प्रयोग हो होने वाली गैस कौन सी है तेरह नंबर है इसका आंसर बताइए आप लोग अगर पता होगा तो वीडियो रोक के कर लेना तेरह का आंसर क्या हो जाएगा जहाँ भी वो आए वेल्डिंग uh, आए तो वहाँ एसीटिलीन को पकड़ना है ऑक्सीजन और एसीटिलीन हाइड्रोजन तो विस्फोट हो जाएगा ना हाइड्रोजन बहुत तेज़ बहस्फोट बहुत कर होता है तो इससे तो हो ही नहीं सकता तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में ओके अगला है कि गेलवेनाइड लोहे के पाइप पर, पर परत होती है किसके परत होती है गेलवेनाइड लोहे के परत पर तो चौदह का क्या आंसर हो जाता है जस्ते की परत लगी होती है गेलवेनाइड जो गेलवेनाइड लोहा होता है उनकी परत पर ओके और भी अगर आपको साइंस के एम करने हो घटना चक्र जो साइंस की बुक ही आती है ना पूरी की पूरी साइंस के एम सी उससे बायो और फिजिक्स चैनल पर कंप्लीट है आप वहाँ से जाके कर सकते हैं शुरुआती वीडियो है मेरे वो तो वहाँ पर जाके आपको उसको जरूर कीजिए उसमें आपको हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे साइंस साइंस के कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है तो पंद्रह का क्या आंसर हो जाएगा वो उसमें सल्फोनेट होता है सल्फोनेट ओके डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं वस्तुतः है ऐसे पदार्थ एल्की बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल में भी घुलनशील हो सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिटर्जेंट में होते हैं सल्फोनेट याद रखना वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है गंधक लोहा जस्ता मैग्नीशियम तो सोलह का क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित है परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होते हैं पसीने मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन और तत्व साए पाए जाते हैं तो एक दो तीन तीनों ही हो जाएगा इसका इसके लिए इसका आंसर ई हो जाएगा नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो नीला थोथा जब भी आता है तो किसकी बात आ जाती है कॉपर की बात आ जाती है, है तांबा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सतराह का सी हो जाएगा ओके सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एस टू ओ जो होता है यही नीला थोथा का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट के नाम से यह लवण निर्जलीकरणकृत अवस्था में रंगीहीन होता है परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है परंतु माध्य अल्कोहल में अघुलनशील होता है नीला थोथा नेमकित में सबसे भारी धातु कौन सा है तो जिसका भार सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है तो डी हो जाएगा प्लेटिनम प्लेटिनम का भार सबसे ज़्यादा होता है पारा का पारा रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ मेटल है ओके यहाँ पर दियो देखो सबका भार अलग अलग दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका किसका तो लोहे और लोहे और किसका होता है तो इसका आंसर ई दिया है इसको पढ़ देता हूँ लोहा निकल क्रोमियम होता है इसमें सर दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और इसमें कौन कौन से लोहे में मुख्य धातु के साथ कार्बन निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में लाने पर स्टेनलेस स्टील मिलता है तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था ए और बी दोनों ही होना चाहिए था तो इसका आंसर ई हो जाएगा और उसके साथ साथ कौन सा चीज़ मिला होता है कार्बन मिला होता है स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है जो घड़ी वगैरह का बेल्ट होंगे आपके वो उस पर देखो स्टेनलेस स्टील लिखा होगा टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है यह क्या है बुझा हुआ चूना है कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम ऑक्साइड है जिप्सम है क्या होता है ये पीओपी पी, जिसको घर में भी यूज किया जाता है आजकल सीलिंग वगैरह सबके सजाने में जो यूज होता है पीओपी पी, उसी की बात कर रहा है तो बीस का क्या आंसर हो जाएगा ये जिप्सम होता है इसमें जिप्सम लवन जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सी डॉट टू एस टू होता है कि तीन सौ तिहत्तर के पर जब गर्म करते हैं तो यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अद्र हाई आद्र हाई हाइड्रेटेड सी ए एस ओ फोर वन बाई टू एस टू बनाता है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है ओके हाथ पैर जो टूटते हैं तो वो जो हाथ पर प्लास्टर चलाता है वो यही होता है इसके अलावा जो घर वगैरह में भी इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है अभी बताया सी एस ओ फोर एस उसका होल टू और डॉट एस टू ओ यह देखो ये रहा ओके okay? ये सब क्वेश्चन एवरग्रीन है हर साल ही पूछे जाते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना याद कर लेना अगर नहीं समझ में आता हो तो जो लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं उनको कई बार समझने में दिक्कत आती है तीस से पैंतीस क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें बीपीएससी में साइंस के बहुत तो बड़ा वेटेज रखता है मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा वेटेज यही चीज़ रखता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों कार्बन के दो परमाणु डबल बॉन्ड बनाते हों उसको क्या कहा जाता है सीधा सीधा केमिस्ट्री का क्वेश्चन एल्कीन ग्रुप कहलाता है ओके कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना जैसे सी एच थ्री है जैसे सी एच फोर है ये क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आते हैं वो कहलाते हैं कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त व्यतीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्काइन त्री आबंध वाले होते हैं असंतृप्त तीन को मिला दो कार्बन की बंधन क्षमता कितनी की होती है चार एक एक हाइड्रोजन तो यहाँ भी लगेगा अगर दो को कार्बन को मिलाओगे तो यहाँ भी दो लगेगा हाइड्रोजन है ना यहाँ भी दो लगेगा हाइड्रोजन इसी की बात कर रहा है ओके आगे बढ़ते हैं तो इसका एल्कीन हो जाएगा जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिया है ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में एल्काइन ग्रुप में ओके सिरके का रासायनिक नाम क्या है सिरके का पूछा है तो एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या रासायनिक सूत्र होता है सी एस थ्री सी डबल ओ एच होता है और इसका आई यू पी एस सी जो नाम होता है इंटरनेशनल लेवल का जो नाम एक रखा जाता है एथेनाइक अम्ल है जिसे कार्बोजिलिक अम्ल और प्रकार्यात्मक समूह होता है ओके सी एस थ्री सी डबल ओ एच कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है फिर से वही क्वेश्चन पूछा है तो एसिटिक एसिड होता है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है एसिटिक तो नहीं हो सकता कौन सा हो सकता है पच्चीस का आंसर पच्चीस का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी बात कर रहा है ओके okay? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है या बैटरी में वैद्युत अवघट के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना होता है सोडा वाटर खोलने पर कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो छब्बीस का क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड आगे बढ़ू छब्बीस का एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर दिखाई देता हूँ मैं यार सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड अगला है कि खनिज मिनरल क्या है द्रव है और कार्बनिक ठोस है उपयुक्त सभी है गैस है तो क्या हो जाएगा सत्याइस का आंसर सत्यास का हो जाएगा अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज भूगर्भ शास्त्रीय के अनुसार जो खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है क्रिस्टलीय होती है ओके समझ रहे हो ना क्रिस्टलीय अट्ठाईस है कि वर्ष 1945 में नागासाकी की जापान में गिराए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था सोडियम पोटेशियम यूरेनियम प्लुटेनियम अब बताओ परमाणु बम में कौन सा जाता है प्लुटेनियम का उपयोग किया गया था और नौ अगस्त उन्नीस को फैटमैन नामक बम नगासाकी जामान पर गिराया गया था इसमें प्लुटेनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था वहीं दूसरी ओर हिरौसिमा पर गिराए गए बम लिटिन बम में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था बम का परीक्षण किया था अमेरिका ने लाखों लोगों को मारकर एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है तो प्राकृतिक तत्व में क्या है ये एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में ही मिल सकता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है सबसे ज़्यादा क्रियाशील मेटल पूछा है आपसे सोडियम कैल्शियम पोटेशियम आयरन तो तीस का क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का कर्म निम्नवत है सबसे पहले पोटेशियम फिर सोडियम फिर कैल्शियम फिर आयरन आता है ओके नेक्स्ट पर चलें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में वो पूछ रहा है तो समझ लो तो हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजन का यूज होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण ये प्रक्रिया ही कहलाती है निकेल बारीक चूर्ण उत्पेड़क उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन बसा बनती है यह क्रिया तेल को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 180 डिग्री सी पर निकेल उत्पेड़क का, का काम करता है तो वनस्पति घी बन जाता है इसको डालडा सही शब्दों में कहा जाता है बहुत ही खराब चीज़ होता है मत खाना आयोडीनीकृत लवन में क्या रहता है मुक्त आयोडीन कैल्शियम आयोडीन मैग्नीशियम का आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड क्या रहता है ये पूछा आयोडीनीकृत लवन में तो बत्तीस का क्या आंसर हो जाएगा इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के आई की संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल सॉल्ट के समान ही है व्यापारिक स्तर पर आयोडेनिक लवण बनाने में सामान्य इसी का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है खाने का नमक एनएससीएल किससे बनता है बताओ एन बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत छार से एच का उपयोग होता है ओके यहाँ पर देखो उदासीन लवण कहते हैं एन एनओ थ्री प्रबल और प्रबल छार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमगर नमक को उदासीन लवण कहते हैं जब भी आप किसी भी अम्ल में छार को मिलाओगे ना तो आपको क्या मिलता है नमक मिलता है और प्लस वाटर मिलता है एच टू ओ सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है तो जैव यौगिक जब भी आता है तो उसमें कार्बन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है ना जिसमें पूरा कार्बन जरूर होता है कार्बन का इतने सारे अपरूप बन सकते हैं इसी के कारण कार्बन पर आधारित एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ब्रांच होता है और कोई भी जीवित चीज दिख रहा है उसमें कार्बन जरूर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 नंबर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में भाई तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है बाकी कांच मिट्टी सीमेंट सब में ऑक्सीजन होती है सिगरेट लाइटर में तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो छत्तीस का क्या आंसर हो जाएगा इसमें ब्यूटेन होता है सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है सी एच फोर सी फोर एस टेन इसका आणविक सूत्र होता है सैंतीस एग्ज कौन सा तरलिखित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है जो एल पी जी होता है उसकी बात कर रहा है सरसठवीं में बी पी एस सी क्वेश्चन है बताओ तो सैंतीस का क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर ई e दिया है इन्होंने तरलिखित एल पी जी के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग पैंसठ परसेंट प्रोपेन पैंतीस परसेंट होते हैं इसमें अन्य कार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं तो कौन कौन सा दिया है यहाँ पर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया है इसलिए इसका आंसर ई दिया है ऑफिशियल आंसर की नहीं आया प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है बहुलक से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं पॉलीमर्स जिसको कहा जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कितना नंबर कर लिया हमने उनचालीस नंबर पर चलते हैं उनचालीस नंबर पर टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक होता है देखो होता क्या है ना बहुत सारे एकलक जब मिलते हैं ना तभी जाके बहुलक बनता है ओके जैसे पॉलीथीन है उसी तरह से बहुत सारे होते हैं नायलॉन भी एक बहुलक ही होता है तो उनचालीस का तो क्या आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोथिलन जो होता है वो एकलक होता है ये बहुत सारे टेट्राइल फ्लोरोथिलीन जब मिल जाते हैं तो टेफलॉन बन जाता है टेट्रा पॉली टेट्रा फ्लोरोथिलन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है पी टी एफ ई एक ठोस प्लोरोकार्बन है इसका घनत्व तो इतना होता है और इसका गरणांग तीन सौ सत्ताईस डिग्री सी होता है बर्तन पर नौ चिपकने वाली नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं जिसमें कुछ भी चिपकता नहीं है उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है किसके संघनन से बनता है यूरेनिया यूरिया और फॉर्मल डिहाइड फिनॉल और फार्मल डिहाइड फिनॉल और एसिल्टर डिहाइड मेलामीन और फॉर्मल डिहाइड तो चालीस का क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बेकेलाइट इन दोनों के संघनन से बनता है ट्राइग्लिसराइड क्या है तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है ट्राइग्लिसराइड एक वसा है शरीर में पाए जाने वसा का एक प्रकार होता है ये हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को में परिवर्तित कर देता है ट्राइगेसिलाइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है फैट सेल मोटापा वगैरह सब इसी के कारण होता है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित तो में कौन सा कथन सही है उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या एक ही जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या उनकी कठोरता समान होती है बिल्कुल नहीं उनकी विद्युत चालकता समान होती है और बयालीस का क्या आंसर दिया है कि वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं तो यही इसका कॉमन है बाक़ी सब कुछ उसका अलग अलग था ओके okay, क्वेश्चन क्या पूछा था निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो यही एक मात्र सत्य है कि वो दोनों एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं एक और होता है बकमोलेस्टर फुलरिन जो होता है उसकी भी बात कर सकते हैं तैंतालीस है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है जो नशे की जाँच ले तो उसमें कोई ऐसा होगा जो ओ एच से रिएक्ट करके कलर बदल लेगा समझ रहे हो उसमें क्या होना चाहिए इसका क्या हो जाएगा आंसर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसमें वो सांस लेने को बोलता है उससे फिर पता चल जाए तो इस आदमी ने एल्कोहल लिया है या नहीं पोटेशियम का काइक्रोमेट का के टू सी आर टू ओ सेवन होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का तो पता ही है एस टू एस ओ फोर होता है अम्लराज जिसको कहा जाता है घरेलू ईंधन के रूप्रयुक्त एल पी जी में मुख्यतः क्या होती है फिर से पूछा देखो दो हज़ार सोलह में पूछा था अभी सड़सठवीं फिर से पूछा इसका आंसर हो जाएगा ई अभी बताया था प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही होता है प्रोपेन सी थ्री एच एट और ब्यूटेन सी फोर एच टेन का मिश्रण होता है एलपीजी पी के रिसाव को पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मर्क मिलाया जाता है देखो एल जो मुख्य रूप से होती है ना उसमें कोई गंध नहीं होता उसमें गंध आए चूंकि लीक करने पर गंध आए दुर्घटना ना होने हो ना हो उससे बचने के लिए उसमें मर्कअपटेन मिलाया जाता है ये भी पूछा है बीपीएससी, जरूर इसको लिख के रख लेना कहीं पर मर्कअपटेन मिलाया जाता है ताकि एल में गंध हो सके अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है इसमें मुख्य घटक इसका ई दिया है ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन भी होते हैं और उसके बाद से और और भी हो सकते हैं जैसे मीथेन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकते हैं ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित उस उसमें अवरक्त विकिरण को अवशोषित तो एवं उत्सर्जित करती है इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जलवास नाइट्रक ऑक्साइड मीथेन और ओजोन भी होता है ओजोन कौन सा धरातलीय स्तर का ओजोन की बात कर रहा है संताप मंडली वाला ओजोन नहीं ऊपर ओजोन फायदा करता है इन्फ्राइट से बचाता है अल्ट्रा यू से बचाता है और ज़मीन पर ओजोन बड़ा खतरनाक होता है पोल्यूशन करता है ग्रीन हाउस गैसों मुख्य घटक क्या होता है तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही होते हैं ग्रीन हाउस गैस में पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है देखो जब भी पेट्रोल और डीजल अधूरा जलेगा ना तो क्या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर डी होना चाहिए है ना इसीलिए ठंड में सुनते हो गए कि कोयला जला के जब सोते हैं घर में चारों तरफ से बंद करके लोग तो सुबह में कई बार मृत पाए जाते हैं क्योंकि इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं साइलेंट किलर साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा अधिशोषण द्वारा पाइसीकरण द्वारा परासरण द्वारा ग्रीज को कैसे साफ करता है गंदगी को साबुन कैसे साफ करता है तो अड़तालीस का क्या आंसर हो जाएगा पाइसीकरण के द्वारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन ऊपर ही यह कर लेना लाइक कर लेना वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो ओके कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें उनचास नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं और ये सब क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना कैप्टन वाला मुझे लगा कि कहीं शायद छूट तो नहीं गया उनचास नंबर है कि एसफार टेम फ्रेन नियोप्रीन बेनाड्रिल संश्लेषित रबर प्रतिहिस्टेमीन कृत्रिम मधुरक और प्रशीतक इसको मैच करना है आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं एसपा एसपा ट्र में ये कृत्रिम मधुरक होता है ओके फ्रेऑन प्रशीतक का काम करता है जो ठंडक वाला था, Madhurak, मतलब होता है फ्रिज वगैरह सब यूज करते हैं कृत्रिम मधुरक मतलब आर्टिफिशियल शुगर होता है नियोप्रीन संश्लेषित रबर कहलाता है आर्टिफिशियल रबर है बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन है ये बेनाड्रिल ओके okay? इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊपर दिया है आंसर सी दिया है यहाँ पर ये यह मैच कर लिया इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इस तरह क्वेश्चन कठिन होते हैं नहीं किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है अम्ल वर्षा की जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी सल्फर की बात आती है पचास का क्या आंसर हो जाएगा एस टू एस ओ फोर की मात्रा ज़्यादा होती है ओके ये देखो एस टू एस ओ फोर और एच एन ओ थ्री सल्फर और नाइट्रोजन के पॉल्यूशन के कारण ही जो होता है ना अम्ल वर्षा होती है अम्ल वर्षा होती है किसके जलने से तो मुख्य रूप से कोयला जलने से होती है अब कोयला कारखाना में जले या लकड़ी जले पेट्रोल जले किसी से भी होगा ना मुख्य रूप से कारखानों का कारण होती है इसका आंसर ई देना चाहिए मेरे हिसाब से तो फिफ्टी का क्या आंसर हो जाएगा फिफ्टी वन पर देता हूँ अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन से होती है इनके लिए कारखाना पेट्रोल से ऊर्जा उत्पादन कोयला संयंत्र इन सब जगहों से होती है तो पेट्रोल कोयला या कारखाने में जो कोयला यूज होते हैं इन सब कारणों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का और इसी से अम्ल वर्षा होती है शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क सु, सु, बर्फ़ कहते हैं जंगल में जो आग लगती है तो हेलीकॉप्टर्स देखा होगा छिड़काव करते रहते हैं तो वो यही होता है शुष्क बर्फ का ही छिड़काव करते हैं फिफ्टी थ्री नंबर है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ़ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सी आंसर हो जाएगा इसका चौवन पर शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पचपन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है सी ओ सी ओ टू ओ थ्री ओ टू तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है सी ओ टू का कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बी आंसर हो जाएगा पचपन का चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम होता है छप्पन की तो कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है सीमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है तो एक तो जिप्सम होना चाहिए सिलिका मिट्टी होना चाहिए चूना पत्थर होना चाहिए तो इसका फिफ्टी सिक्स का क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा चूना पत्थर और जिप्सम दोनों ही मुख्य घटक होते हैं फिफ्टी सिक्स का ई आंसर होना चाहिए ओके आगे चलते हैं एक कार बैटरी में प्रयुक्त तो विद्युत अपघट्य क्या होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अभी मैंने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्लराज इसको कहा जाता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है तो कार्बन उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है हीरा कोयला ग्रेफाइट तीनों में ही कार्बन होता है तीनों कार्बन के अपरूप ही तो हैं ओके निम्न सब से सबसे सख्त हार्ड कौन है तो सबसे सख्त हीरा ही होता है दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है पत्थर को ड्रिल करने के लिए हीरा का यूज़ किया जाता है निम्न पदार्थों से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है मतलब खाने की वस्तुएं खराब ना हो उसके लिए किसका उपयोग होता है तो सोनजियम सोडियम बेंजोइट क्या बोलते हैं उसको सोडियम बेंजोइट बोलते हैं जो परिरक्षण का काम करता है जैसे अचार जो तकनीक है अपने यहाँ वो भी एक परिरक्षण का ही चीज़ है आम को परिरक्षित करके कितने दिनों तक रख सकते हैं पारद धातु मिश्रण है किसका अतिरंगीन मिश्र धातु होती है कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है युक्त मिश्र धातु होती है अगला क्या दिया है सिक्सटी का अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है तो पारद धातु जो होती है सिक्सटी टू का यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ मिश्र धातु होती है पारद युक्त यानी कि पारा की बात कर रहा है एच की बात कर रहा है एटॉमिक नंबर अस्सी होता है जहरीला होता है सिक्सटी का सी हो जाएगा सिक्सटी पर चलते हैं कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है तो मिथेन ही होती है सी एन जो होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है ये भी एक मिथेन ही है इस बार पूछा था यूपी के एग्जाम में सी में क्या होता है निम्न धातु से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा है जो सामान्य ताप पर द्रव होता है धातु अभी मैंने बोला था रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है एकमात्र धातु है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्पर्तन कहते हैं कल ही हमने पढ़ा था कि ठोस से कोई चीज डायरेक्ट गैस में बदल जाता है पैंसठ है कि पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है तो उससे क्या निकलता है तो उससे निकलता है अमोनिया वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है HCl और अमोनिया का धुआं निकलता है समझ लो ना छियासठ है कि नींबू खट्टा किसके कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण एसिटिक अम्ल के कारण टैटरिक अम्ल के कारण किसके कारण खर्चा होता है जल्दी बताओ उसके बाद से साइट्रिक अम्ल के कारण तो नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है पानी आ गया होगा मुंह में वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है तो वाहनों से कौन कौन सी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है मोनॉक्साइड भी निकलती है मार्स गैस नहीं निकलती नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकल सकते हैं तो सरसठ का क्या आंसर हो जाएगा ई होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल सकते हैं सल्फर के डाइऑक्साइड निकलते हैं हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन हो सकते हैं मार्स गैस नहीं निकलता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाते हैं कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं और एक चीज़ कार्बन की मात्रा और इसमें क्रोमियम भी ला देते हैं तो क्या बन जाता है स्टेनलेस स्टील बन जाता है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्यों अवरक्त किरण के कारण क्लोरीन के कारण उषमा कारण ये स्विमिंग पूल की बात कर रहा है भाई इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ना तो स्विमिंग पूल में पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन मिला जा जाता है अगर आप वाटर पार्क गए होंगे तो वहाँ के पानी का गंध अलग होता है उसमें क्लोरीन मिला होता है क्या मिला होता है क्लोरीन इसीलिए हमारी त्वचा जल जाती है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा ऑक्सीजन राख क्या बनता है हाइड्रोजन को जलाने से तो पानी बनता है ना मिट्टी पानी तो पानी बनता है हाइड्रोजन को इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसको जलाने पर कुछ भी नहीं बनता बस एस टू हो ही तो बनता है तो जल मिलेगा आपको गाड़ी चलेगी उससे जल निकलेगा सोने को घोला जा सकता है किसमें सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक सल्फ्योरिक नाइट्रिक एसिड के, 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 के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोने को एक्वारेजिया में घोलाया जाता है एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एच का आयतन के दृश्य से वन एस टू थ्री का अनुपात होता है इसीलिए इसका कोई सा भी आंसर नहीं दिया है अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है सांद्र यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और कंसंट्रेटेड एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे अभिक्रिया करता है तो ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसको जरूर याद रखना एस टू एफ इसका फार्मूला होता है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु कौन सी है तांबा चांदी जस्ता निकेल तो थोड़ी देर रखने पर यह तांबा पर जम जाती है नीले कलर की ओके अगला है वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है हरे रंग की वसुता यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है इसे पटीना कहा जाता है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है एक नाइट्रोग्लिसरीन तो एस्टर समूह का आता है नाइट्रोग्लिसरीन जो है ओके पचहत्तर का आंसर डी हो जाएगा इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन घरेलू एल सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्यों क्योंकि ये एल को चोक हो जाएगा एल से चोक हो जाएगा दाब मापक है ना इसीलिए नहीं प्रदान किया जाता दाब मापने वाला एल सिलेंडर पर कोई दाब दिखता है कि कितना गैस बचाए कितना नहीं निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट होता है लोहा का पिच ब्लेंड किसका होता है अभी देखा था ऊपर रेडियम का विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलेय होता है यही विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है यह कार्बन डाइऑक्साइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व एक, एक सौ किलोग्राम मीटर को दो आयतन भाग तांबा में इतना मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनत्व तो कितना होगा पीतल का घनत्व होता है 8300 था किलोग्राम पर मीटर क्यों ये फार्मूला रहे अगर आपको शौक हो तो आप इस फार्मूले को कर लेना इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं अस्सी नंबर पर चलते हैं जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है तो जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है तो बर्तन को ऋण धूप पर रहते हैं कैथोड पर बर्तन को रखते हैं और जस्ते को पॉजिटिव पर रखते हैं और इससे क्या होगा जस्ते पर लेपन हो जाएगा उधर से इधर आते हैं ना पता है ना आपको बैटरी का जो सिद्धांत होता है उसी से काम होता है ये स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है अभी कुछ देर पहले ही किया था इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा लोहा क्रोमियम होता है मेल और निकेल भी थोड़ा सा हो सकता है आयरन क्रोमियम मैगनीज और कार्बन ओके निकेल नहीं है देखो जीरो पॉइंट आठ परसेंट के करीब में ही निकल होता है समझ लो ना मेन क्या क्या होता है आयरन और क्रोमियम होता है और कार्बन भी मिलाया जाता है इसमें ज़रूर याद रखना मैग्नीज़ भी होता है इस तरह क्वेश्चन जरूर एक आध पूछे जाते हैं स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं रहे तो निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण पर रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप निकलती है मतलब यूरेनियम अगर रूम में रख दोगे तो तुम्हारा रूम अपने आप गर्म हो जाएगा समझ रहे इसी को क्या कहा जाता है रेडियो एक्टिव अल्फा धनावेशित बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरण होती है निम्नलिखित में सा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है तो इसका क्या हो जाएगा दो आठ आठ दो तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा अलग अलग कक्षा होती है बोर का जो मॉडल है उसके बाद तो एस पी डी एफ करके जो कक्षा होती है ना उसी की बात कर रहा है तो दो आठ आठ दो ये इसका विन्यास होता है धातु के लिए बाकी डिटेल में आपको पता होगा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता सी समूह का आबंध क्या है इसका आंसर हो जाएगा डी तीन होता है तीन होते हैं आबंधन आबंध क्रम बॉर्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें क्या बताती है कि अनु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती होता है सी के बीच में आबंध क्रम तीन होता है किस तत्व के परमाणु में जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी तो बी ही होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो 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 चार हो जाता है ओके द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या में बराबर होती है दो दो चार होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है इसका आकार है अष्टफल सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहा है अष्टफल की होता है एकता तो एक्स की बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा एक्स की बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है समझ रहे हो ना तो इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जैसे सी एच फोर ले सकते हो सी के भी तो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एच 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 जुड़ जाते हैं इससे वही तो कह रहा है ना तो एक्स का सी एच फोर हो जाएगा एक्स एच फोर हो जाएगा ओके इसका एक सी फोर उदाहरण था मैंने सी फोर का उदाहरण दिया था अगला है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या कितनी होती है तो बारह और तीन होती है बेंजीन में सिग्मा और बंध की संख्या बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका ऐसे बनता है पता होगा बेंजीन रिंग तो अगर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा जिसका सूत्र सी सी सिक्स एच सिक्स है इसमें छह कार्बन परमाणु छः हाइड्रोजन परमाणु होते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और दो से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधा रहता है सी ऐसे ऐसे सी सी से बंधा हुआ है और इधर हाइड्रोजन से बंधा हुआ रहता है कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप उपस्थित माना जाता है इसमें बाहर बारह सिग्मा और तीन बॉन्ड पाए जाते हैं भारी पानी वह होता है क्या होता है भारी पानी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है जैसे डी टू ओ हो गया या टाइटेनियम करके भी होता है ओका कर टा, टाइटेनियम करके होता है ना उसी को भारी जल कहा जाता है हेवी वाटर जिसको कहते हैं समस्थानिक क्या होता है एटॉमिक नंबर तो वही है भार बदल जाता है ड्यूटेरियम होता है यदि जल का निर्माण एस टू ओ से ना होकर ड्यूटेरियम से हो उस पानी को पानी भारी पानी कहेंगे जैसे डी टू ओ होता है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं परमाणु भट्टी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या वही हो परंतु प्रोटोनों की संख्या भिन्न हो प्रोटोनों की संख्या वही हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही हो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटोन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है क्या पूछा था हमसे आइसोटोप पूछा था समस्थानिक पूछा था दूध उदाहरण है किसका विलियन का कोलाइडल का, इमलन का इमल्सन का अगला है कि वायु विलियन का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विलियन का भी उदाहरण है कोलाइडन विलियन का भी उदाहरण है बी और सी ए और बी दोनों होना चाहिए सॉरी यहां पर मैंने मिस्टेक किया बी और सी दोनों होगा कोलाइडल विलियन का और इमल्सन का ओके कोलाइडल विलियन और इमल्सन का माई मिस्टेक कोलाइडल एक बीसमांी मिश्रण होता है इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं कोलाइडल के कई रूप या प्रकार हो सकते हैं जैसे एरोसोल गैस के माध्यम में द्रव का मिश्रण या इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण जैसे गैस में द्रव का जब मिश्रण होता है तो वो एरोसोल होता है और जब द्रव में द्रव का मिश्रण होता है तो ईमलसन कहलाता है वो ओके जैसे जेल क्या है जेल ठोस में द्रव का मिश्रण होता है जेल गाढ़ा होता है आपको पता होगा तो इसी तरह की चीज़ें अलग अलग सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिल सकता है एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है इसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित किनवन कहलाता है अंगूर और अन्य फलों के रसों को यीस्ट जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं कि उपस्थिति में किनको किनवन द्वारा अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है जहरीली शराब को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है ओके इसको ज़रूर याद रखना ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है तो उसमें एंजाइम का जो यूज होता है वो होता है जाइमेज शक्कर के किनवन से क्या बनता है इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड तो पचपन का नाइन्टी फाइव का क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए ही होगा इथाइल अल्कोहल ही बनता है नाइन्टी फाइव का आंसर देखो यहाँ पर ए ही होगा नाइन्टी सिक्स पर चलते हैं डायरेक्ट नाइन्टी सिक्स नंबर ये रहा ग्लूकोज का सूत्र क्या है यह सड़सठवीं बी पी एस सी या छियासठवीं में फिर से पूछा था सी सिक्स एच टूएल्व ओ सिक्स जो ग्लूकोज का सूत्र होता है यूरिया उपस्थित होने वाला तत्व तो कौन सा होता है तो सी एच एन ओ यूरिया में उपस्थित होता है सी ओ एन एस टू होल्ड टू भी इसका फार्मूला होता है अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है तो डिटर्जेंट एक शोधक अभिकर्तः शोधन अभिक्रिया अभिक्रियाकर्ता अभिकर्ता होता है शोधन अभिकर्ता कहा जाता है निम्न से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो वनस्पति तेल का साबुन बनाने में खूब यूज़ किया जाता है हंड्रेड नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना अभी खत्म नहीं हुआ है आगे तक चलेंगे पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं पीतल में होता है तांबा और जस्ता ओके अगला है एक सौ एक नंबर कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है तो क्या होते हैं वो बेसिक और एसिडिक होते हैं नेचर में तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा गामा किरणें तीनों ही करता है डी हो जाए एक सौ दो का एक सौ तीन हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी होती है तो वो नाइट्रोजन होती है कौन सी नाइट्रोजन इकहत्तर परसेंट होती है अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन होती है इक्कीस परसेंट के करीब ऑक्सीजन होती है बाकी में सारे गैस होते हैं वायु एक क्या है वायु एक मिश्रण है वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद कार्बन नहीं आता है आर्गन आता है फिर कार्बन आता है जीरो दशमलव जीरो, जीरो जीरो तीन छः परसेंट मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है तो एलिथरीन होता है उसमें एलिथरीन मच्छर भगाने के लिए एलिथरीन का उपयोग किया जाता है जल की अस्थाई कठोरता का क्या कारण है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम तथा तो तो मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट एक का और फिर क्या है आंसर इसका दो और ऑप्शन क्या है सोडियम तो और पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट उपरोक्त में से कोई नहीं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट होते हैं ना उसी से जल की कठोरता आती है जिसको हार्ड वाटर भी कहा जाता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक सौ तो सात नंबर पर हास्य गैस कौन सा है लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में किसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है सूची को मिलाना है त्वचा कैंसर ध्वनि प्रदूषण वैश्विक तापन ओजोन छिद्र तो ओजोन छिद्र से क्या होगा किरण को मैच कर दो वैश्विक तापन से किस में होता है को तो ओजोन छिद्र सॉरी मैच करना ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड त्वचा कैंसर परावैग्निक किसान के तो ए का दो बी का तीन सी का चार डी का वन ए का दो बी का तीन सी का चार डी का वन बी आंसर होना चाहिए बी आंसर दिया है तो चा कैंसर परावैगनी ध्वनि प्रदूषण को डेसी में मापते हैं वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओजोन छिद्र क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण ये दो सौ एक सौ कितने कच्छा नौ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए रसायन कंप्लीट हो गया कल से बायोलॉजी का हम लोग करेंगे बायोलॉजी का करेंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके जो भी फीडबैक देना हो कहीं पर कोई आंसर गलत लगा हो कुछ भी ओके थैंक यू सो मच